हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द फूडी वीआरएन। आज है संडे और अभी बज रहे सुबह के 5:30 गाइस। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना जल्दी उठ कैसे गए, तो बात ये है कि मैं और ये अपना हम लोग पूरी रात सोए ही नहीं थे। हम लोग बकैती किए, बस गप पूरा दुनिया जहान का मारे हैं। उसके बाद फिर मेरी पड़ी भी है, फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि हम लोग ना रात में तो पिज़्ज़ा खा लिए थे तो रोटी बचा हुआ रह गया था बहुत सारा, तो मैं अभी सुबह सो जाऊंगी और गाय को रोटी खिलाऊंगी। मेरे दिमाग में इतना खुरापात की सब आइडिया कैसे आता है मुझे सच में नहीं पता, लेकिन ये लड़की सो गई थी तो उसको हम पैर वैर खींच करके उसको उठा दिए और अभी हम लोग जाएंगे गाय को रोटी खिलाने। यस गाइस, ये रहा, यहाँ पे इतना सारा रोटी है, इसको भी इस पेपर में पैक करूँगा और ये सब गाय को खिलाऊँगा। गाइस देखो, अभी ये रोटी लेकर के हम और अपना गाय निकल चुके हैं दूसरे गायों को। मैं तो भैंस हूँ गाइस, और मैंने काले काले कपड़े भी पहने हैं, काले काले कपड़े भी पहने गाइस मारा। ये गाय गाइस, और ये गाय की रोटी है गाइस, और मुझे अगर कोई बालकनी से देख रहा हो गाइस तो बोल रहा हो ये पगली लड़की सुबह सुबह क्या कर रही है गाइस। तो मैं इस रोटी को लेकर जा रही हूँ गाइस गाय को खिलाने। देखो गाइस, यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल की ओर। यहाँ मुझे अपना की प्रजाति दिख रही है, मेरा प्रजाति तुमको नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी भैंस तो नहीं दिख रहा है हमको। गाइज़ यहाँ रोटी खिलाने तो आ गए गाय को, लेकिन सारी गाय यहाँ पे खुली हुई है और हमको लग रहा है कि अगर हम रोटी खिलाने गए और इतनी सारी गाय है, एक खाली और बाकी लोग आके हमको ढूस दी और मार दी, तो गाय तो नहीं पता क्या होगा। हम ऊपर सीधा मॉर्निंग वॉक, आज मेरा पहला दिन है गाइज, मॉर्निंग वॉक भी नहीं तो रात में जगह रह गए कि आज आखिरी बन जाएगा मेरा। तो मैं बैठ के सोच रही हूँ अगर अभी से इसके बाद मेरा व्लॉग ना आ जाए, समझ आइएगा कि मेरे मरने का क्या कारण है, खुरापाती दिमाग ये गाय लो। बट मैं आई हूँ तो अपना काम अधूरा छोड़ के नहीं जाऊँगी गाइस। मैं गायों को खाना खिलाऊँगी, जो रोटी मैं इतनी सारी लेके आई हूँ ये मैं खिलाऊँगी, चाहे मैं ही खाना क्यों ना बन जाऊँ उन लोगों की। वैसे गाय शाकाहारी होती है तो नहीं खाएगी मुझे, लेकिन उसका सिंह के घोंसले में शाकाहारी है। मेरा तो मोटू जैसा पेट है, मस्त सिंह ऐसे गुस्से का ग्लाइड कर जाएगा पूरा। कोई बात नहीं, जो काम करने आए हो उसको अधूरा मत छोड़ो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सीधी मृत्यु हो जाती है, वही होगी मेरी। गाइस देखो, यहाँ पे गाय ही गाय है। वहाँ पे एक गाय हमको मिली जो अलग खड़ी थी, तो मैंने थोड़ा हिम्मत करके उसे खिला दिया। अब ये थोड़ा सा रोटी बच गया है, अब वो लग रहा है कि अगर ये लोग कैसे खिलाए, ऐसे एक को खिलाए तो दूसरा वाला आके तुमको ढूंस के सीधा ऊपर पहुँचा देगा। गाइस तो हमको जो लास्ट गाय मिलेगी, मुझे लग रहा है ये अच्छी बच्ची है, ये साइड में खड़ी है, बच्ची तो नहीं है, अच्छी दादी है, ये साइड में खड़ी है, नहीं नहीं खिलाऊंगी। गाइस गाय को खाना खिला के तो मैं आ गया हूँ, पर इतना डर डर के आया ना क्या ही बताए। वहाँ से आके हम सोचे अब सुबह सुबह उठ गए हैं तो आज चाय भी पी लिया जाए, क्योंकि रात में सोए नहीं तो सर तो दुखेगा ही, तो चाय पहले ही पी लेते हैं सर दुखना स्टार्ट हो उससे पहले। गाइस ये सुबह सुबह आ गया है नाश्ता, और नाश्ते में छोले भटूरे। गाइस अभी हम उठ चुके हैं एक अच्छी सी नींद लेकर के, और यहाँ पे ये कुछ गंदा सा दिखने वाला चीज़ वही है, मेथी पाउडर पेस्ट का वो फुलाया हुआ ओवरनाइट जो भी बोलो उसको, पैक वगैरह, तो उसको इस चोटी में लगाया जाएगा और थोड़ा सूख जाएगा तब तक खाना वाना भी आ जाएगा, फिर बाल को धोया जाएगा। गाइस इस पैक को मैंने अपने पूरे बालों में घस लिया है, वहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो अपना पूजा कर रही है, ऐसा लग रहा ना बिल्कुल कि कोई पक्षी ना पॉटी कर दिए बाल। गाइस ये खाना लेके मैं पधार चुकी हूँ, ये है मेरा, मैंने ढेर सारा अचार मांग के लिया है, ये है अपना का, इसमें थोड़े कम अचार है। गाइस देखो, मैं मुंह में लगा रही थी फेस पैक, तो मेरे पास कोई काम धंधा नहीं था, पापा का फ़ोन आ गया था तो बात करते करते कुछ तो करना था, तो ये मैंने अपने मुंह का कर लिया है फॉर्क की हेल्प से ये मेकअप। तो आप बताइए कैसा लग रहा है ये मेकअप, क्या मेरे अंदर एक बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट बनने का पोटेंशियल है, क्या कहते हो, हमको लग रहा है कि है। इसे और थोड़ा बढ़िया से किया जाता तो वो चीता वाला मेकअप या वो आदिवासी वाला। गाइज ये रहा दोपहर का खाना, चावल सलाद और
चिकन और ये चावल में एक ये सेब दिख रहा है क्योंकि इस थाली से ढका गया था। गाइस अभी हम आए हुए थे छत पे कपड़ा पसाने खाना खाने के बाद, ये एक बाल्टी भर के हम कपड़ा धोए थे, मेरे से बड़ा बाल्टी, और अब मैं थक गई हूँ तो मैं जा रही हूँ नीचे सोने के लिए। इतने कपड़ों को धोने में और सूखने देने में मेरी हालत ख़राब हो गई है। गाइस अभी शाम का नाश्ता आ गया है, गर्मा गर्म समोसा, ये हॉस्टल में ही बनता है, मतलब कहीं बाहर से नहीं आता है। जी हाँ, समोसा खाया जा रहा है। आज का पूरा संडे खाने सोने और थोड़ा बहुत काम करने में बिता है। गाइस ये रहा रात के खाने का प्रबंध, ये है रोटी आलू सोयाबीन का सब्जी और सेवई।